हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो सबसे पहले हम टमाटो सूप ही ऑर्डर करते हैं, तो आज हम घर पर ही बनाएंगे टमाटो सूप। और टमाटो सूप बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आइए देख लेते हैं टमाटो सूप बनाने के इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड, इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। टमाटो सूप बनाने के लिए हमें चाहिए नमक, बटर, एक चम्मच, बड़ा चम्मच घर की मलाई ली है मैंने, और थोड़ी सी शुगर हमें लेनी है, और घर पर बनाई हुई टमाटो प्यूरी मैंने ली है, जिसकी रेसिपी आप संगीता विश्वरूप चैनल पर देख सकते हैं। और ये मैंने ब्लैक पेपर पाउडर हमें थोड़ा सा लेना है, काली मिर्च का पाउडर, कॉर्नफ्लोर हमें लेना है, और विनेगर। फ्रेंड्स, घर पर बनाई हुई टमाटो प्यूरी में से हम बहुत ही आसानी से टमाटो सूप बना रहे हैं। इजी प्रोसेस है। सबसे पहले हम इसमें एक छोटा चम्मच बटर ले लेते हैं पैन में। बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, फिर हम इसमें 4 से 5 चम्मच घर पर बनाई हुई टमाटो प्यूरी डालेंगे। टमाटो प्यूरी की रेसिपी आप संगीता विश्वरूप चैनल पर देख सकते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम प्यूरी को बटर में सौते कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे सूप की कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए। 1 से 1.5 कप पानी हम इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है पानी और ग्रेवी को। फिर भी अभी मुझे थोड़ा थिक ही लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा 1/2 कप पानी और डालती हूँ। टोटल 2 कप पानी हम मैंने इसमें डाला है। आप आपकी इच्छानुसार कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं पानी डालकर। अभी हमारा सूप उबलने लग गया है, गैस को थोड़ा धीमा कर देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। हमने प्यूरी में भी नमक डाला है बनाते वक्त, इस हिसाब से हमें ध्यान में रखकर थोड़ा सा ही हम नमक इसमें डालेंगे। और हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच शुगर। आप आपकी इच्छानुसार शुगर की क्वांटिटी भी कम ज्यादा कर सकते हैं। और ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। मिक्स कर देते हैं सबको। ये मैंने 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और सूप को थिक करने के लिए हम इसकी स्लरी बनाएंगे। सूप को मैंने थोड़ी देर के लिए उबाल लिया है, 4 से 5 मिनट के लिए। और अब हम इसमें डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच विनेगर मिलाएंगे। सूप को मैंने और अच्छी तरह 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है विनेगर मिक्स करने के बाद। और अब हम इसमें डालेंगे घर की मलाई 2 चम्मच। मिक्स कर लेते हैं। यह हमारा टमाटो सूप रेडी है। अब मैं गैस बंद करती हूँ और इसकी प्लेटिंग करूंगी। फ्रेंड्स, ये हमारा एकदम इंस्टेंट गर्मा गर्म टमाटो सूप तैयार है, जिसे हमें टमाटो प्यूरी से बनाया है। फ्रेंड्स, आपको ये इंस्टेंट टमाटो सूप की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप इस रेसिपी को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स।